हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसफॉर्मर में सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन अगर हो भी गया तो सैचुरेशन होने से प्रॉब्लम क्या आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वी नो कि ट्रांसफॉर्मर में जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसकी इक्वेशन होती है ईआरएमएस इज 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स मैक्स। फाइन, फ्लक्स मैक्स इज बी मैक्स इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। फाइन, फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। फाइन, अब जब हम ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की कोर का डायमेंशन, उसका साइज मिनिमम करने के लिए, मतलब एरिया मिनिमम करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि बी मैक्स ज्यादा रहे। आई मीन बी मैक्स हम इतना रहते हैं कि वो जस्ट सेचुरेशन से थोड़ा कम हो। तो वी मेक सच अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन बी एंड ए सच दैट वी हैव वेरी लेस साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, साइमल्टेनियसली माई ट्रांसफॉर्मर डजेंट गेट सेचुरेट। फाइन, चलिए अब क्या हुआ। सपोज कीजिए मैंने वोल्टेज ये ज्यादा दे दी, मैंने ये वोल्टेज वो ज्यादा दे दी। अब इस वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए जो मुझे फ्लक्स चाहिए होगा वो मुझे ज्यादा चाहिए, वो जितना रेटेड है उससे ज्यादा चाहिए होगा। फाइन, अब मेरा अगर ट्रांसफॉर्मर जो उसका रेटेड फ्लक्स है उससे अगर ज्यादा फ्लक्स ले रहा है तो देर इज अ चांस कि ट्रांसफॉर्मर मे गेट सैचुरेट। तो सैचुरेशन है क्या, लेट सी फ्रॉम दी बीएच कर्व। बीएच कर्व क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है। फाइन, करंट, जब भी करंट किसी किसी कॉइल में पास हो रही होती है तो उससे फ्लक्स डेवलप होता है और वो जो कोर होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। फाइन, अब क्या है, ये जो करंट है इस करंट को अगर हम मैं नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है एच, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एच मतलब ये प्रोपोर्शनल है करंट के, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स, फ्लक्स या कहें या फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉर अ सर्टेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इट विल हैव अ लीनियर रिलेशनशिप, बट आफ्टर सर्टेन एच दिस लीनियर रिलेशनशिप स्टॉप्स, नाउ इट ऑलमोस्ट इज गेटिंग अ सैचुरेशन। ऑल्दो देर इज दिस स्लोप, देर इज अ लिटिल स्लोप बट दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ओके, दैट मीन्स आफ्टर दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको मैग्नेटिक फोर्स, सपोज कीजिए कि आपको इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स पर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, इसके बाद आपको सपोज इतना फ्लक्स बढ़ाना है, तो इतना इतना सा फ्लक्स आपको बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स चाहिए होगा। मतलब इतना सा फ्लक्स बढ़ाने के लिए आपको इतना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स चाहिए यहाँ पर। फाइन, अब एक केस लीजिए। सपोज कीजिए आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि जो फ्लक्स है वो सैचुरेट हो गया है। ठीक है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सैचुरेट हो गया, तो मतलब कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, इससे बढ़ ही नहीं रहा है इससे ऊपर। ठीक है, अब आप फ्लक्स से जब इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो क्या होगा, किस कुछ इस तरह से होगा वो। ठीक है ना, मतलब मैं आई एम टेकिंग डी फाई बाई डी टी जो कि मेरा ई है। ठीक है, अब इस पोर्शन का आप डिफ्रेंशिएशन लीजिए, रेट ऑफ चेंज लीजिए, तो वो क्या, क्योंकि इस पोर्शन में फ्लक्स कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, इस पोर्शन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे, फिर तो आप देख रहे हैं कि इस पोर्शन के लिए ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस पोर्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जा रहा है।
अगर मेरा यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये जो सर्किट है इस सर्किट में वोल्टेज जो है ये किसके अक्रॉस जाएगी, रेजिस्टेंस और ये लीकेज इंपेडेंस के अक्रॉस। तो मतलब कि इस पहले जो करंट फ्लो हो रही थी आई वो क्या थी, वी माइनस ई अपॉन आर, जहां पहले वी और ई ऑलमोस्ट इक्वल थी तो आई जो थी वो बहुत कम थी, जो केवल मैग्नेटाइजिंग करंट के इक्वल थी, ठीक है। अब क्या होगा, वी माइनस ई अपॉन आर में ई जब जीरो हो गया तो करंट कितनी फ्लो होगी, वी अपॉन आर, जो कि बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। ये हाई करंट मेरे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स को डैमेज कर सकती है, तो यही रीजन है कि मैं ट्रांसफॉर्मर को सैचुरेशन पर ऑपरेट नहीं करूंगा। अगर मैं कर देता हूं तो मेरी वाइंडिंग जल सकती है, फाइन। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मर में सैचुरेशन कैसे होता है, सैचुरेशन होने के नुकसान क्या हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने ये समझा कि सैचुरेशन कैसे फ्लक्स के माध्यम से समझा। अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मर अगर सैचुरेट हो गया, मतलब इस पॉइंट पर आ गया, तो आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आपको इतना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको इस तरह, इस डायग्राम से भी इस कर्व से भी समझें, तो सैचुरेशन की कंडीशन में इस ईएमएफ को वोल्टेज के बराबर रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, फाइन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लीनियर कर्व करेक्टरिस्टिक आती है, उसके बाद फिर नॉन लीनियर या सैचुरेशन वाली जो करेक्टरिस्टिक आती है, वो आती कैसे है, मटेरियल्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि आपको इस तरह का कर्व मिलता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म डेवलप करने के लिए दो फैक्टर होते हैं। तो वन फैक्टर इज योर करंट और योर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड अनदर इज इट्स मैग्नेटाइजेशन। वो मैं आपको बताता हूं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ना दें, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ये सब रैंडमली एलोकेटेड होते हैं, और ये जो रैंडमली एलोकेटेड होते हैं दे आर इन द डोमेन्स, कि इस डोमेन के अंदर वो सब एक डायरेक्शन में है, इस डोमेन के अंदर वो सब एक डायरेक्शन में है, इस डोमेन में एक डायरेक्शन में है, इस डोमेन में एक डायरेक्शन में है, इस तरह से, फाइन। अब क्या होता है, जैसे ही आप एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स ये इस एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाते हो, मोर नंबर ऑफ डाइपोल्स गेट्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, मोर नंबर ऑफ डाइपोल्स आर गेटिंग अलाइन इन दिस डायरेक्शन, फाइन। तो अभी क्या है, अभी जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो दो कारणों की वजह से हो रहा है, करंट की वजह से और मैग्नेटाइजेशन की वजह से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी इक्वल्स टू म्यू एच प्लस म्यू एम, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट म्यू आर एच, ठीक है। तो अभी क्या है, म्यू आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, म्यू नॉट तो फिक्स है ही, म्यू आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो आपको ये कर मिलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब देर इज नो मैग्नेटिक डाइपोल लेफ्ट टू गेट अलाइन इन दिस डायरेक्शन। अब क्या हो जाता है, उसके बाद में इन मैग्नेटिक डाइपोल्स का जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करने में वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा वो केवल डेवलप होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से, मतलब आप जो एक्सटर्नल करंट दे रहे हैं उसकी वजह से, इस वजह से कि अब ये जो म्यू आर फैक्टर है वो आपका खत्म हो जाता है। अब केवल आपके पास इक्वेशन बचती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच,
इस वजह से आपका जो ये जो पहले स्लोप था ये घट करके इतना रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो इस कंडीशन, इस पॉइंट के बाद जो कर्व आता है इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंडीशन। फाइन, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सैचुरेशन अगर किसी ट्रांसफॉर्मर में हो जाए तो सैचुरेशन को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एयर गैप। थैंक यू।